फाइनली मीडियाटेक की तरफ से और दो न्यू प्रोसेसर के बारे में अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिलेगा एंड ये सारे प्रोसेसर आपको सारे फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलेगा। जैसे कि बोला जा रहा है कि रियलमी की कोई न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। दोस्तों ये दो प्रोसेसर अनाउंसमेंट हो गया है मीडियाटेक की तरफ से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के बारे में, देखेंगे ये प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस से कितना बेटर देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के बारे में। तो दोस्तों ये प्रोसेसर में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। जो दोस्तों ये प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है एंड दोस्तों इसमें अगर बात करें इस फोन की आर्किटेक्चर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको जितना कम नैनोमीटर देखने को मिलेगा इतना ही यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको 6 नैनोमीटर वाला टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है आर्किटेक्चर। उसके साथ साथ अगर सीपीयू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8 कोर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 1+3+4 के हिसाब से कोर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जहाँ पर आपको पहला कोर देखने को मिल जाता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें आपको कॉर्टेक्स A78 दिया गया जो कि बेस्ट है 3.0 GHz पर। और अगर उस बात करें सेकंड कोर की, दोस्तों यहाँ पर आपको 3 कोर देखने को मिल जाता है जो कि परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कॉर्टेक्स A78 की बेस्ट 2.6 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4 कोर देखने को मिल जाता है एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स A55 का कोर जो कि बेस्ट 0 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर। तो ये हो गया सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब बात करते हैं इस प्रोसेसर की जीपीयू के बारे में। दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 की इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिलेगा G77MC9 की जीपीयू देखने को मिलेगा। अगर बात करें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस की, दोस्तों इसमें भी आपको सेम जीपीयू देखने को मिला था। इसके साथ साथ दोस्तों अगर एपीयू की बात करें, आपको APU 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 10% परफॉर्मेंस गेन करेगा एक्स्ट्रा, मतलब मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस से ये 10% परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा गेन करेगा। अच्छा दोस्तों अगर बात करें इस प्रोसेसर की 5G मॉडेम की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हीलियो M70 के 5G मॉडेम देखने को मिलेगा, जो कि SUV 6 GHz पर देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों अगर बात करें इस प्रोसेसर की डिस्प्ले सपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 168Hz तक यहाँ पर आपको डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 2520x1080 पिक्सल तक सपोर्ट देखने को मिलेगा डिस्प्ले की। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें इस प्रोसेसर की कैमरे सपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल तक सिंगल कैमरे के सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर 32+16 मेगापिक्सल तक यहाँ पर आपको डुअल कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो इस प्रोसेसर के साथ 4K वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है न्यूली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने साथ शेयर करें।